This one gentleman second, is poet. Please listen to me. One second. I have a citizen of this country. 1 second. Yes. Don't shout at me. Mr. Agarwala, please keep it at that. I may have to say something more, which will be perhaps a little distasteful. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड संबंधी याचिकाओं की सुनवाई हुई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनकी बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और एक बार फिर से एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई है, क्योंकि जो डेटा सामने लाया गया है वह अभी तक पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं है। इसलिए एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई गई है कि डेटा को जल्दी से जल्दी सार्वजनिक किया जाए। जानकारी के अनुसार जब से डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया है तब से देखा जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा इकट्ठा किया है, जिसमें सबसे पहला नाम बीजेपी का है, क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को ही मिला है। आज की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड मामले में ऐतिहासिक फैसले के बाद अधूरा डेटा प्रस्तुत किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान कई उत्तेजक और तीखे तर्क पेश किए गए। इसमें कोर्ट रूम में कार्रवाई बेहद गर्म हो गई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में सुनवाई के दौरान कई उत्तेजक और तीखे तर्क का आदान प्रदान हुआ। इसमें कोर्ट रूम में कार्रवाई कल बेहद गर्म हो गई। इसमें एक मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुमपारा के बीच का रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता नेदुमपारा चुनावी बॉन्ड मामले में हस्तक्षेप करना चाहते थे। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि चुनावी बॉन्ड मामला कतई भी न्याय संगत मुद्दा नहीं था। उन्होंने कहा कि यह एक नीतिगत मामला था और इसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। इस कारण लोगों को लगता है कि यह निर्णय उनके पीठ पीछे दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता नेदुमपारा के लगातार बोलते रहने पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की ओर से उनको रुक कर सुनने का आग्रह किया जाता रहा, लेकिन वह अपनी दलीलें लगातार देते रहे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। इन सब के बाद मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ कुछ सख्त दिखे और उन्होंने कहा, एक सेकंड मुझ पर चिल्लाओ मत, यह कोर्ट है, यहाँ पर उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। सीजीआई के सख्त रुख को देखते हुए नेदुमपारा ने रिप्लाई करते हुए कहा, नहीं, मैं बेहद नरम हूँ। चीफ जस्टिस जीवा चंद्रचूड़ ने भी यह कहा कि यह कोई हाइड पार्क कॉर्नर मीटिंग नहीं है, आप कोर्ट में हैं। आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो आवेदन दायर करें, हम आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं। आपको मुख्य न्यायाधीश के रूप में मेरा आदेश मिल गया होगा, अगर आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो इसे ईमेल पर भेजिए, कोर्ट का यही नियम है। इस दौरान सीनियर एडवोकेट नेदुमपारा अपनी दलीलें देते रहे तो न्यायमूर्ति बी आर गवई ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप न्याय प्रशासन की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। इसके बावजूद अधिवक्ता नेदुमपारा बोलते रहे। इस पर पीठ ने कहा, जब तक आप निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे तब तक हम आपकी बात नहीं सुनेंगे। नेदुमपारा ने यह भी कहा कि वह एक आवेदन दाखिल करेंगे और वह नाइट की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रति नरम रहें, लेकिन पीठ के रुख में कोई बदलाव इन दलीलों को रखने पर नहीं देखा गया। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश सक्रवाल की दलीलों को भी सुनने से इनकार कर दिया, जो कि सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप करना चाहते थे। पीठ ने वकील नेदुमपारा को 2019 के उस मामले की भी याद दिलवाई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेदुमपारा को अवमानना का दोषी ठहराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज़।